अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों, सप्लीमेंट का नाम जैसे ही आता है बहुत लोगों के मन में तीन क्वेश्चंस तुरंत आने लगते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस कि कहीं सप्लीमेंट हमें नुकसान तो नहीं कर देगा, हमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं दे देगा। दूसरा क्वेश्चन, सप्लीमेंट की बजाय हम नेचुरल फूड से अपनी डेफिशिएंसीज पूरी नहीं कर सकते, यानी कि कुछ ऐसा खाने लग जाए जिससे हमारी डेफिशिएंसीज पूरी हो जाए। और तीसरा क्वेश्चन, क्या क्या सप्लीमेंट हमें लेने चाहिए, स्पेशली अगर आप फैट लॉस डाइट पे हो, क्योंकि जब हम वेट लॉस या फैट लॉस की बात करते हैं तो लोग अपने हेल्थ का ध्यान नहीं देते, उनको सिर्फ वेट लॉस चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक। उनको फर्क नहीं पड़ता कि हेल्थ कहाँ जा रही है, अवेयरनेस भी नहीं होती। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो इससे पहले कि हम आज का ये एपिसोड सप्लीमेंट पे स्टार्ट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जो कि बिल्कुल फ्री है, बेल बटन प्रेस करें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन आए। ऐसे वीडियोस जो आपके हेल्थ के लिए हैं वो आपको ज़रूर देखने चाहिए, और जो टिप्स मैं देता हूँ उसको अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये एपिसोड सप्लीमेंट्स पे। वेलकम बैक। तो पहला क्वेश्चन, क्या सप्लीमेंट्स का कोई साइड इफेक्ट है? तो बिल्कुल नहीं। नाम ही इसका है डाइटरी सप्लीमेंट्स, मतलब कि जब आप अपना नॉर्मल खाना खा रहे हैं उस खाने से आपकी बॉडी की जो माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब विटामिंस एंड मिनरल्स की जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती, तो आप सप्लीमेंट को ऐड करते हो ताकि आपकी बॉडी को पूरा का पूरा विटामिन मिनरल्स मिले। जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे यहाँ सॉइल की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है बिकॉज ऑफ ओवर यूज़, और सॉइल से यानी कि मिट्टी से ही हमारे खाने में विटामिन मिनरल्स आते हैं और वहाँ से हमारी बॉडी को मिलते हैं। अब फूड उतने क्वालिटेटिव नहीं रह गए, सॉइल उतनी क्वालिटेटिव नहीं रह गई, तो हमारी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज होने लगी हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी में भी प्रॉब्लम आती है। सो आप सप्लीमेंट का यूज़ करें, डाइटरी सप्लीमेंट्स का, जिसका बिल्कुल कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और आज के एपिसोड में मैं वही सप्लीमेंट बताने वाला हूँ जिसको आप बिना किसी के कंसल्ट किए ले सकते हैं, जिसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। कुछ लोगों को एलर्जी होती है जो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है और उनको वो एलर्जीज पता होती हैं, जैसे कुछ लोगों को फिश ऑयल से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से एलर्जी होती है। तो ये एलर्जी जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक है और सबको पता होता है इसके बारे में। दूसरा क्वेश्चन, क्या हम अपनी डेफिशिएंसीज को नेचुरल फूड से पूरा नहीं कर सकते? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप अपनी डेफिशिएंसीज को नेचुरल फूड से पूरा करने की कोशिश करेंगे तो आपको इतना खाना पड़ेगा कि आपका वेट गेन होने लगेगा, और जब आप कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे ये तो होने के बाद ही पता चलेगा। तो अगर आपको कोई डेफिशिएंसी है बॉडी में तो उसके लिए आपको सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। तो आइए अब समझते हैं कि कौन कौन से सप्लीमेंट हम ले सकते हैं जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और हमें लेना चाहिए, स्पेशली अगर हम फैट लॉस डाइट पे हों, क्योंकि हमें हेल्थ लॉस नहीं करना है। अगर इसके रिगार्डिंग और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करके बताऊंगा। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है प्री प्रोबायोटिक। प्री प्रोबायोटिक क्या है? गट बैक्टीरियाज होते हैं और गट बैक्टीरिया का खाना, उसको प्रीबायोटिक बोलते हैं, जो एक ही कैप्सूल में डाल के आपको दिया जाता है। गट बैक्टीरियाज आपके बॉडी के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब खाना खाते हैं तो गट बैक्टीरिया उस खाने में प्रेजेंट फाइबर को डाइजेस्ट करता है। बहुत से बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी में इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करने में हेल्प करते हैं, जैसे सेरेटोनिन, हैप्पी हार्मोन। बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि गट में अवेलेबल बैक्टीरिया ही है जो उनको पूरा करता है। इस तरह से बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल है आपकी बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, आपके गट फ्लोरा को हेल्दी रखने के लिए। सो प्री और प्रोबायोटिक है, इसको खाने से 5 से 10 मिनट पहले खाएं और उसके बाद अपना खाना नॉर्मल खाएं। जब आप नए डाइट पे शिफ्ट होते हैं, जैसे लोग फैट लॉस डाइट से नॉर्मल डाइट से फैट लॉस डाइट पे जाते हैं, तो उनके डाइट में फाइबर्स बढ़ने लगते हैं, वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ने लगता है, तो स्टमक उसके लिए प्रिपेयर नहीं होता।
तो अचानक से आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही लोग ज़्यादा वेजिटेबल्स खाने लगते हैं तो बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, कुछ लोगों को लूज मोशन होने लगता है, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, तो उसके लिए ये प्री प्रोबायोटिक कैप्सूल बहुत ही हेल्पफुल है, इसका यूज़ ज़रूर करें। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट। बी कॉम्प्लेक्स क्या है? विटामिन बी है जो कि आपकी एनर्जी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, आपके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी विटामिन बी का यूज़ करती है। तो अब आप सोचिए, जो लोग बहुत बाहर खाते हैं जिसमें विटामिन बी नहीं होता, बाहर के फूड में विटामिन बी जो है वो एक वाटर सॉल्युबल है, तो आपको मालूम है जब आप बाहर का खाना खाते हैं तो बहुत देर तक पानी में रखा रहता है, उसको पानी से बहुत धोया जाता है, तो उसका जो विटामिन बी है वो निकल जाता है। तो बाहर का खाना जब आप खाते हैं तो वो डाइजेस्ट कैसे होता है? आपकी बॉडी में जो भी बचा हुआ विटामिन बी है उसको वो खाना यूज़ कर लेता है अपने आप को डाइजेस्ट करने के लिए। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लाइफस्टाइल में, जहाँ पे थोड़ी एनर्जी लॉस भी होती है और हम बाहर का भी खाना फ्रीक्वेंट खा रहे होते हैं। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है और बहुत कॉमन सप्लीमेंट है कैल्शियम। कैल्शियम आपके हड्डियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके ब्लड को अल्कलाइन रखने में भी कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। तीसरा सबसे बड़ा रोल जो बहुत लोगों को नहीं मालूम है वो है कैल्शियम का मसल कॉन्ट्रैक्शन में। तो अगर आप वर्कआउट करते हैं, स्पेशली स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट करते हैं, तो आपको कैल्शियम का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत हेल्प करता है। चौथा, विटामिन K2। इसको बहुत कम लोग जानते हैं। विटामिन के बारे में स्कूल में पढ़ा होगा, ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज़ होता है, बट इसका इससे भी ज़्यादा यूज़ है। विटामिन K2 विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोग विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं और वो खाते हैं तब भी उनकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती, क्यों? क्योंकि विटामिन के बॉडी में डेफिशिएंट है। सो विटामिन के का जो इनटेक है वो आपके विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, विटामिन K2 आपके आर्टरीज के हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो विटामिन K2 का यूज़ ज़रूर करें, तो उससे क्या होगा, आपका जो आर्टरीज है वो डीमिनरलाइज होगा, यानी कि जो स्टिफनिंग ऑफ आर्टरीज हो जाती है बिकॉज ऑफ मिनरल डिपोजिशन, उसको वो साफ कर देता है विटामिन K2। तो आपके आर्टरीज की इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है और आपका आर्टरी का हेल्थ बेटर रहता है। पांचवा, बहुत इंपॉर्टेंट, ओमेगा 3। ओमेगा 3 एंटी इन्फ्लेमेटरी सप्लीमेंट है। हम जितने भी तेल का या घी का यूज़ कर रहे हैं, मैक्सिमम उसमें ओमेगा 6 होता है जो कि इन्फ्लेमेटरी होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी के लिए हमारे डाइट में बहुत कम चीज़ें हैं, जैसे वॉलनट है, लेकिन वॉलनट आप इतना नहीं खा पाएंगे जो बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा एंटी इन्फ्लेमेटरी के पर्स्पेक्टिव से। इसलिए ओमेगा 3 का सप्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एंटी इन्फ्लेमेशन के लिए। अगर आपको बॉडी में कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है, जैसे अर्थराइटिस है या नी पेन या बैक पेन, इस टाइप की कोई चीज़ है जो लंबे समय से चली आ रही है, तो आप ओमेगा 3 का यूज़ करें। दूसरा, अगर आप वर्कआउट करते हैं, स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट करते हैं जिससे मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ता है आपके मसल्स पे, तो उसके लिए ओमेगा 3 का यूज़ करें ताकि बॉडी के रिकवरी प्रोसेस तेज़ हो जाएगी। तो ये 5 सप्लीमेंट आपके हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सबसे पहला प्री प्रोबायोटिक जो आपको खाली पेट खाना होता है, दूसरा बी कॉम्प्लेक्स एनर्जी मेटाबोलाइजेशन के लिए प्लस आपके फूड के डाइजेशन के लिए, तीसरा कैल्शियम ब्लड को अल्कलाइन रखने के लिए, हड्डियों को मजबूती देने के लिए, चौथा विटामिन K2 आपकी आर्टरीज के हेल्थ के लिए, विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए, पाँचवा ओमेगा 3 एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है। सप्लीमेंट्स का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको देख सकते हैं, अगर खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, और अगर कंसल्ट करना चाहें तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, ज़रूर अपने न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर से कंसल्ट करें कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले। ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, इससे पता चलता है कि आप अपने हेल्थ के लिए बहुत जागरूक हैं। दोस्तों, एक वीडियो मैंने बताया है जिसमें मैंने हेल्थ के बारे में बताया है कि किस तरह से हम वेट कम करते समय अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट एपिसोड आएगा उसमें मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा कि कौन से सप्लीमेंट हमें लेने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड टेस्ट। जैसे आज के जो सप्लीमेंट हमने डिस्कस किए हैं ये आप एनीवेज ले सकते हैं, इसके लिए ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ सप्लीमेंट हम तभी ले सकते हैं
जब हमें मालूम हो कि हम उसमें डेफिशिएंट हैं। फ्रेंड्स, ये जो लाइफ है, हमारी जो हेल्थ है, इसका कंट्रोल हमारे ही पास होना चाहिए। नॉर्मली हम क्या समझते हैं कि ये एज रिलेटेड है या ये जेनेटिक्स के है। तो जैसे ही आप ऐसा सोचते हैं कि ये एज की वजह से है या जेनेटिक्स की वजह से है, तो आप इस पर इम्प्रूव नहीं करते, आप अपने हेल्थ पर काम नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है ये आपके कंट्रोल में है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, हेल्थ पूरी और पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। कैसी चॉइसेस ले रहे हैं आप अपनी लाइफ में, कि किस समय खाना है और क्या खाना है, आपको वर्कआउट करना है कि नहीं करना है, ये सारी चॉइसेस आपके ऊपर है और इन चॉइसेस के बेसिस पे बनता है आपका हेल्थ। सो हेल्थ आपके कंट्रोल में है, सिर्फ इसको समझ लेना और इसकी चाहत रखना ही बहुत बड़ी बात है। सो अपने हेल्थ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर क्वेश्चन बहुत अच्छा हो तो मैं उस पर अलग से वीडियो भी बनाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज़ कपिल कनोडिया साइनिंग ऑफ।